मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। नमस्कार गुरुजी। जैसा कि आजकल का समय चल रहा है, इस समय हम लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग कर सकते हैं, प्लीज हेल्प कीजिए। तो इम्यूनिटी के लिए जो है योग में कुछ उत्तम अभ्यास बताए गए। हालांकि योग का अभ्यास तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो तो ऐसे ही मजबूत करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्रियाएं हैं, योगासन हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को एट इंस्टेंट बूस्ट करने का काम करते हैं। तो विगत कुछ दिनों में सूर्य नमस्कार का जो है प्रचलन काफ़ी बढ़ा है योग में, और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को जो है वो कंप्लीट बूस्टिंग मिलता है, कंप्लीट बूस्ट होता है आपका इम्यूनिटी। केवल इम्यूनिटी ही नहीं, शरीर का मेटाबॉलिज्म हो गया। तो एक शरीर का में जो जितने भी क्रियाएं होती हैं उन सब का संचलन जो है वो अच्छे से और सुचारू रूप से होने लगता है सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है वो सूर्य नमस्कार में कुल 7 आसन आते हैं और उनका एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 24 का साइकिल होता है, 12 का हाफ साइकिल, 24 का कंप्लीट साइकिल सूर्य नमस्कार का। अगर आप सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन सुबह खाली पेट में इसका अगर अभ्यास करें तो यकीनन आपके शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करेगा, शरीर में एक स्फूर्ति लाएगा। और यकीनन आप इसको एक हफ्ते तक करेंगे तो आपको जो है वो आपके शरीर में फ़र्क महसूस होगा। तो सूर्य नमस्कार के कुछ आसनों के मैं नाम बता देता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का जो पहला आसन है वो है प्रणाम आसन, दूसरा आसन है हस्तोत्थान आसन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवें नंबर पर पुनः पर्वतासन, नौवें पर अश्व संचालन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 नमस्कार आसन या प्रणाम आसन। ये आधा चक्र है सूर्य नमस्कार का। इसको फिर एक बार करेंगे तो आधा होगा, कुल मिला के 24 का एक चक्र होगा। इसमें कई वेरिएशंस भी हैं। आप अगर पर्वतासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप चतुरांग दंडासन का अभ्यास कर सकते हैं इसमें, या इसको अंग्रेजी में कहें तो प्लैंक्स पोस्चर, जिसमें आपके शरीर का पूरा वजन आपके हथेलियों और पैर के अंगूठों पर रहेगा और आपका शरीर जो है वो ज़मीन के समानांतर स्थिर रहेगा। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो है आपको अवश्य करना चाहिए और इम्यूनिटी बूस्टिंग में इसका खासा महत्व है। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सूर्य से जोड़े जाने पर हम सीधे सीधे इम्यूनिटी से उसको जोड़ते हैं, क्योंकि सूर्य जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे आसन हैं सूर्य नमस्कार के अलावा जो आपको मदद कर सकते हैं। उन आसनों में कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहे, शारीरिक मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहे, तो इम्यूनिटी खुद ब खुद आपकी अच्छी होती है। शरीर में अगर रक्त प्रवाह अच्छा रहे तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद अच्छी रहती है। तो वैसे आसन हैं मंडूकासन, पादहस्तासन, मत्स्येंद्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, दोनों में से आप जो करना उचित आपको लगे, वज्रासन। तो ऐसे आसनों से भी हमारी इम्यूनिटी को खासा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ जब हम योग की बात करते हैं तो योग जो है वो केवल आसनों तक सीमित नहीं है। योग में प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, धारणा भी है। तो जब हम प्राणायाम की चर्चा करें तो इम्यूनिटी बूस्टिंग में सबसे मददगार प्राणायाम जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका अर्थात उसके नाम से हम ये समझ सकते हैं कि लोहार की धुकनी की तरह यह काम करता है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम में बेसिकली होता क्या है कि यह हमारे मेटाबॉलिज्म को इतना तेज करता है, हमारी शारीरिक गर्मी को इतना बढ़ाता है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या जो है वो तुरंत इसका नाश होता है और हमारी इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करने में बड़ा ही मदद करता है भस्त्रिका प्राणायाम। किंतु भस्त्रिका प्राणायाम के साथ एक सावधानी भी जुड़ी हुई है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम को ना करें। बात की आप किसी भी उम्र के हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, केवल अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आप भस्त्रिका को ना करें। दूसरा, प्राणायाम कहें या क्रिया कहें, योग में तो हम इसे क्रिया में रखते हैं लेकिन जनरलाइज्ड इसे प्राणायाम में आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में उतना ही मददगार है जितना भस्त्रिका प्राणायाम है। कपालभाति के प्राणायाम से केवल हमारी इम्यूनिटी ही नहीं बूस्ट होती है, अगर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है वह भी इससे दूर होता है। अगर आपको फेफड़ों के इन्फेक्शन की समस्या है, लंग इन्फेक्शन की, वो इससे दूर होता है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी की समस्या हो रही है, वो इससे संपूर्ण होता है। साथ ही साथ एक सावधानी मैं ज़रूर बता दूं कपालभाति और भस्त्रिका दोनों के लिए, जिनको चक्कर आने की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर हो या ऊंचाई से डर लगता हो, ऐसे व्यक्ति इन दोनों अभ्यासों को करने से बचेंगे। तीसरा प्राणायाम है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा नाम है नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि में ये मदद करता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नाड़ियों का शुद्ध होना उतना ही आवश्यक है जितना ट्रेन के चलने के लिए पटरियों की आवश्यकता पड़ती है। तो नाड़ी शोधन के अलग अलग अभ्यास हैं। नाड़ी शोधन आप एक कॉमन नाम से जानते होंगे, अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन का यह तीसरा अभ्यास है, स्टेज 3 अभ्यास है अनुलोम विलोम। इसका आप अभ्यास कर सकते हैं नाड़ियों की शुद्धि के लिए। जब भी अनुलोम विलोम आप शुरू करेंगे तो बाएं नासिका से आप हमेशा शुरू करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास आप अंदर लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। जब आप समाप्त करेंगे अनुलोम विलोम को तो वापस पुनः बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए ही रिलैक्स करेंगे। इसके अलावा आप उज्जयी का अभ्यास कर सकते हैं। उज्जयी का अभ्यास करने से थ्रोट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, गले से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इन्फेक्शन का हो, सूखी खांसी का हो, या आप कहें आपको थायराइड की समस्या हो, उनके लिए उज्जयी जो है बहुत ही उत्तम अभ्यास है। कुछ मेडिटेशन भी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं, लेकिन मेडिटेशन आप तभी करें जब आप आसन और प्राणायाम को अच्छे से आप उसमें कर पा रहे हैं उसको। मेडिटेशन में आप अजपा जप का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा आप हृदयाकाश धारणा का अभ्यास कर सकते हैं। ये दो ध्यान के अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए।